इस वर्ष भी हर साल की तरह महाराष्ट्र से 80 लोगों का बैंड आ रहा है जो गणपति की विशाल भव्य शोभा यात्रा में अपनी धुन अपने वाद्य के मंत्रों के साथ गणपति की विशाल शोभा यात्रा बरेली की सड़कों पर है। इस बार 2 सितंबर को गणेश जी का जन्म उत्सव नाथ नगरी बरेली में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और पिछले 24 वर्षों से इस महोत्सव का आयोजन किया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं और गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर 2 सितंबर 2019 को भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव है और पिछले 24 वर्षों से हम नाथ नगरी बरेली में गणेश महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं और इस बार पूरे बरेली में भक्तिमय वातावरण ऐसा हो गया है कि 300 से 350 जगह पर गणेश जी की प्रतिमा रखी जा रही है और बहुत भव्य तरीके से गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और 8 तारीख को भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं की एकत्रित होकर भव्य विशाल शोभा यात्रा निकलेगी और शोभा यात्रा में महाराष्ट्र से 80 लोगों का बैंड मंगवाया जो अपने तंत्र अपने वाद्य से पूरे बरेली वासियों को मंत्रमुग्ध करते हुए भगवान गणपति बाप्पा के जयकारों के साथ विसर्जन यात्रा निकलेगी। इस भव्य आयोजन में पूरे बरेली वासियों का भक्तिमय वातावरण के साथ पूरे भरपूर सहयोग मिल रहा है और इससे पहले भी नाथ नगरी बरेली वासियों ने इस महोत्सव में इतनी बड़ी आस्था दिखाई है कि आज बरेली का सबसे बड़ा त्यौहार गणेश महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये 2 सितंबर को गणपति की स्थापना होगी और 2 सितंबर से 8 सितंबर तक एक साप्ताहिक कार्यक्रम चलेगा और 8 सितंबर को विसर्जन किया जाएगा। इसका स्थान क्या होगा? बाबूराम धर्मशाला आलमगीरगंज सर्राफा मार्केट में मुख्य आकर्षण गणपति जी की विशाल प्रतिमा जो महाराष्ट्र से मंगवाई है और वो बिल्कुल मिट्टी की है जो कि आजकल POP की बन रही है जिससे प्रदूषण हो रहा है। इस वजह से हमने महाराष्ट्र से मिट्टी की प्रतिमा मंगवाई है जिससे प्रदूषण मुक्त है, वो इको फ्रेंडली है और उसका हम स्थापना करेंगे और पूरे भक्तिमय वातावरण के साथ स्थापना कर पूजन कर विसर्जन करेंगे।